गाइस गला ख़राब है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैंने झाड़ू लगा ली है। अभी मैं जा रही हूँ जस्ट नहाने के लिए, क्योंकि आज होगा सीढ़ियों पे प्लास्टर, मतलब कल क्या था, जो दीवार है ना सीढ़ियों वाली, उस पर हो रहा था, तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज सीढ़ियों पर प्लास्टर होगा, ऊपर से नीचे होता हुआ आएगा, तो आज तो हम बिल्कुल भी अप डाउन नहीं कर सकते हैं। कल ही होगा जो कुछ भी होगा, मतलब अप डाउन। तो पीछे मतलब सीढ़ी लगाई हुई है, तो उधर से हमें आना पड़ेगा, तो मुझे उधर से आने में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से सारे काम यहाँ के ख़त्म कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊँगी एंड देन मैं शाम को एक ही बार आऊँगी। क्योंकि बार बार मुझे नहीं आता, मतलब आते ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बाहर तो निकलती नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है। तो अभी आन्या जो है सो रही है, आन्या और आन्या के पापा दोनों लोग सो रहे हैं, अभी कोई भी नहीं उठाए घर में। बाकी मैंने पूरे में झाड़ू लगा दी है, जो भी काम थे छोटे मोटे, इधर उधर सामान फैला था, सारा कुछ सेट कर दिया है। तो अभी नहा लेती हूँ फटाफट से। गुड मॉर्निंग बाबू, उठ गए? कल भी बाबू ने वेलकम किया था और आज भी बाबू वेलकम कर रहा है। वेलकम करो, वेलकम टू ब्लॉग, वेलकम। निन्ना गल्लाए, निन्ना में है भैया, अभी निन्ना निन्ना गल्लाए छोना, अले 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 अले। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और कुछ कपड़े थे जो मैंने धुल दिए थे, क्योंकि आज मशीन तो चलाऊंगी नहीं, तो डेली यूज़ वाले जो भी कपड़े होते हैं ना उनको वॉश कर देती हूँ मैं। और आज धूप नहीं निकली है, मतलब बारिश भी नहीं हो रही है, धूप भी नहीं निकली है, थोड़ी थोड़ी हवा सी चल रही है, तो कपड़े जो हैं वो सूख जाएंगे, क्योंकि ये जो काम होता है ना वो अपने हाथों में नहीं होता है। जब मतलब मौसम ठीक रहेगा कपड़े जब ही सूखेंगे, तो जब मतलब सही लगे ना मौसम तो मैं सुखा ही देती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ पराठे और चाय बना ली थी पहले ही, तो अभी खाना पीना मतलब लेट हो जाता है इस टाइम पे। मैं नहाने भी लगी थी, क्योंकि क्या है कि आज सीढ़ियों पे प्लास्टर हो रहा है, तो उधर से मैं बार बार जा नहीं सकती हूँ, तो इसलिए एक बार अपना नहा धो के ऊपर आ गई हूँ। अब जब सारा काम ख़त्म कर लूँगी ना, उसके बाद ही जाऊँगी। तो इन लोगों को पराठा मैं बना के खिला देती हूँ, वही नमक वगैरह डाल के बना रही हूँ, और चाय के साथ खा लेंगे, चाय के साथ, अचार के साथ। और ये लोग चले जाएंगे, जब खाना पीना बनेगा तब ये लोग अपना मतलब भिजवा देंगे हम लोग लंच। और ये आन्या अपने मतलब कह रही, मम्मा हम स्कूल जा रहे हैं, मेरी ना वाटर बोतल रख दो बैग में, और पराठा एक छोटे से टिफ़िन में पराठा रखवा लिया, और कह रही मम्मा इसको ना इसका ढक्कन लगा दो और हम टिफ़िन लेके स्कूल जा रहे हैं। मतलब उसे ना बहुत शौक है स्कूल जाने का, तो बच्चों को होता है स्टार्टिंग में, जब स्कूल भेजा जाता है ना तब कोई कोई बच्चे तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। मैं तो बचपन में बहुत रोई थी स्कूल जाने के लिए। तो फटाफट से सबको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ मम्मी से आज क्या बनेगा खाने में, देन उसकी तैयारी करते हैं। सो गाइज, सबने नाश्ता कर लिया है, और जो भी बर्तन थे सुबह चाय के मतलब जो भी थे वो मैंने सारे धुल के रख दिए। अभी एकदम फ्री हूँ मैं, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ कट करनी नहीं है, क्योंकि आज बनेगी हमारे घर पे कड़ी चावल रोटी, मेरा फेवरेट कड़ी चावल रोटी। और मम्मी ना वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं कड़ी, मैं तो फ्राई करके खाती हूँ, और बहुत टाइम से ना कड़ी खाई भी नहीं थी मैंने, तो मैं मम्मी से ना बहुत टाइम से बोल रही थी कि मम्मी कड़ी बनाओ कड़ी बनाओ कड़ी बनाओ। तो मम्मी बस तैयारी करेंगी, उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो आज तो आई एम सो मच एक्साइटेड, क्योंकि ना कड़ी चावल रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कड़ी तो स्टार्टिंग से ही पसंद है मुझे। तो सबसे पहले इसमें हींग और नमक हल्का सा डाल के मम्मी बेसन को फेटेंगी। सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है बेसन को फेटना, क्योंकि अगर बेसन अच्छे से फेटा नहीं होगा ना, तो फिर उस जो पकौड़ियाँ हैं वो हमारी फूलेंगी नहीं। और जब मम्मी पकौड़ियाँ बनाती है ना, वो इतने अच्छे से फूलती हैं, इतनी सॉफ्ट हो जाते हैं। कोई कोई पकौड़ियों को ना पानी में डिप करता है जिससे वो सॉफ्ट हो जाए, लेकिन मम्मी नहीं करती हैं। मम्मी तो बस ऐसी बना के रख लेती हैं, जब कड़ी पूरी बन जाती है ना तब उसमें पकौड़ियाँ मिक्स करती हैं, और इतनी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनती हैं, मतलब कड़ी तो एकदम लाजवाब बनती है। तो जब तक मम्मी बेसन फेट रही हैं, जब तक मैं चावल साफ़ करके रख देती हूँ, कड़ी चावल रोटी बनेगी। तो फटाफट से चावल साफ़ करके बनाऊँगी, नहीं बनाऊँगी जब भी, जब गरम गरम सब लोग मतलब पूरा खाना बन जाएगा ना, तो फिर गरम ही गरम बना लूँगी चावल। तो बेसन जो है वो एकदम फिट के रेडी हो चुका है। अभी इसकी छोटी छोटी मम्मी पकौड़ियाँ बनाएंगी। अभी आप इनका शेप देखना, मतलब जो पकौड़ियाँ जितनी मम्मी बना रही है ना उससे डबल साइज हो जाएगा, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जैसे कि डमरू होता है ना, बिल्कुल डमरू जैसी पकौड़ियाँ हो गई हैं।
पकौड़ियाँ वगैरह तो मम्मी ने बना ली हैं। अभी इसमें नमक और मिर्च, हमारे यहाँ मिर्च थोड़ी सही से पड़ती है, एकदम स्पाइसी कड़ी बनती है, और हल्दी। इनको पानी में मसाले को फुला के और फिर मसाले को भूंजा जाएगा। और ये देखो पकौड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। तो सबसे पहले तेल में डाल दिया है हींग, उसके बाद मसाला, और जब ये अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद तब तक मम्मी जो बेसन है, मतलब जिसका हमने पकौड़ियाँ बनाई थी ना, उसी में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा छाछ मिक्स कर लिया है, उसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया जाएगा जो हमारा मसाला है, और अच्छे से जलाया जाएगा जब तक जो कढ़ी है वो खोल नहीं जाती। बराबर चलाते रहना है वरना कढ़ी जो है ना वो फट जाती है। और ये मैंने आलू की सब्जी भी कट की थी, क्योंकि हर कोई कड़ी पसंद नहीं करता है, तो जो भी नहीं खाएगा वो अपनी आलू की सब्जी खा लेगा। तो एक तरफ मम्मी सब्जी छोंक देंगी और एक तरफ जो है कड़ी, देख रहे हो आप कितने अच्छे से खोल रही है। अब इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खोलाते रहो, एक घंटे तो खोलती है कड़ी। तो कड़ी बनके एकदम रेडी हो चुकी है, देख सकते हो पकौड़ियाँ इतने अच्छे से फूल गई हैं और कड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और सब्जी भी बना ली थी, बाकी अभी हम लोग चावल बनाएंगे और रोटियाँ बनाएंगे। सो गाइज, रोटी वोटी बना के फ्री हो गए हैं, सारा खाना बन चुका है, बस अभी वो लोग खाना खाएंगे। मतलब ना थोड़ा आटा आपने रख दिया है, क्या होता है कि सुबह इतनी सारी रोटियां बन जाती है फिर शाम को ना कोई खाता नहीं है सुबह की रोटी, तो हमने थोड़ा सा आटा बचा के रखा है कि अगर कम पड़ेंगी तो फिर और बना लूँगी। आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब धूप भी नहीं निकली और बारिश भी नहीं हो रही और बहुत अच्छी हवा चल रही, तभी मैं छत पर वॉक कर रही थी। और आपको ना सीढ़ी दिखाती हूँ, ये देखिए एक सेकेंड बैक, ये दिख रही होगी ना, हाँ ये रही, ये यहाँ से ही सब लोग उतर के जा रहे हैं। मैं तो जब जाऊँगी, जब एकदम फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि बार बार नहीं अप डाउन करूँगी, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। तो बस आन्या गई है माही के यहाँ, उसके ना सिर में ना चोट लग गई, बहुत इतनी बड़ी घुमड़िया सी पड़ गई, घुमड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ, यहाँ पर लग गई उसकी चोट, तो पता रोती रही और फिर चली गई माही के यहाँ पर। तो उसको ना वहीं पे रखूँगी, क्योंकि ना फिर वो यहाँ आएगी फिर कहेगी मम्मा नीचे चलो फिर ऊपर आओ, इससे अच्छा है कि वो थोड़ी देर वहीं पे खेलेगी। बस आज आज की बात है, आज ठीक हो जाएंगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, अभी खाने के लिए जा रही हूँ मैं कड़ी चावल, गरम गरम कड़ी चावल, इतने ज़्यादा टेस्टी बने हैं। कड़ी ना मुझे थोड़ी सी खट्टी पसंद है, थोड़ा थोड़ा खट्टा ही टेस्ट आ रहा है, स्पाइसी सी। तो आज ना मैंने फ्राई नहीं किया है कड़ी को, ऐसे ही मन था फ्राई, मतलब इतना काम करते करते ना थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज सिंपल सी कड़ी खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो इतना अच्छा मौसम हो रखा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मतलब क्या ही बताऊं। और मतलब इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश होती अच्छा तो लगता है, लेकिन इस टाइम पे घर में काम चल रहा है ना, बस यही प्रॉब्लम है। तो अभी मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब सीढ़ियों से। वैसे तो मैं कम्फर्टेबल फील कर रही हूँ, लेकिन होता है ना कि वेट थोड़ा सा ज़्यादा है इस वजह से। और आन्या को भी मुझे नीचे ही रूम में ले जाना है, तो इसको पहले मैं, दीदी है नीचे खड़ी हुई है मेरी जेठानी, तो उनको मैं पकड़ा दूँगी तो वो इसको ले लेंगी, एंड देन मैं नीचे जाऊंगी। मतलब इतना ज़्यादा मतलब डर लग रहा है, मैं बहुत टाइम के बाद सीढ़ियों से चढ़ रही हूँ, क्योंकि मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती आजकल तो, सब क्या होती हैं सीढ़ियाँ। सो गाइज, आने जो है वो सो गई थी, उसको लेके आई थी, उसने सुला दिया था मैंने, और सीढ़ी से उतरने मेरा बहुत टाइम के बाद उतरी थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा है। मतलब उतरने में तो कंफर्टेबल थी, लेकिन ये लग रहा था कि ऐसा रहो मतलब वो टूट ना जाए मेरे वेट की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं टच वुड। तो लाइट आने रही है, आनियाँ सो गई हैं और माही आ गई हैं। माही को बुला लेती जब मैं फ्री होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ बात करना। और ये पापा ना टाइल्स लेके आए थे जिसमें भगवान की मतलब फ़ोटो छपी हुई होती है, तो बरामदे में लगवाएंगे हम लोग। तो बीच में है मतलब एक कलश है और एक तरफ लक्ष्मी गणेश, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, वही पापा मुझे दिखा रहे थे कि बताओ कैसा लग रहा है। देवी मैया की जय। उसे पैर चबाने में बहुत मजा आता है बाबा से। अन्नू बाबा का आशीर्वाद तो दे दो। किन्नू सो गाइज, अभी ना हो गई है सुबह और मैं कल रात सो गई थी, ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी, खाना भी नहीं खाया था मैंने, क्योंकि कढ़ी चावल थोड़े से खा लिए थे, अन्य खिला रही थी, उसने खाए नहीं थे।
तो अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, बिंदी भी हट गई है। तो आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जस्ट अभी वाला ब्लॉग एंड करने के बाद नेक्स्ट ब्लॉग भी स्टार्ट करूँगी। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।